हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी सॉल्विंग द एथ क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। इसका ए पार्ट देखते हैं। इन नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, बट वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH इन दीज कंडीशंस, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हमने दोनों के स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। यह है क्लोरोबेंजीन और ये है वन क्लोरो फोर बेंजीन, ठीक है। और जब हम लोग रिएक्शन विद NaOH की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेनली OH माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जो ये कह रहा है कि इन नॉर्मल कंडीशंस क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं। जो क्लोरोबेंजीन है इट इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, ओके। तो ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस, या नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में क्लोरोबेंजीन नहीं रिएक्ट करेगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड सिर्फ बहुत एक्सट्रीम एंड ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब सेकेंडली हम लोग बात कर रहे हैं कि वन क्लोरो फोर नाइट्रोबेंजीन क्यों रिएक्ट करता है। अब नाइट्रो ग्रुप की बात हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जब ये किसी भी स्पेशली बेंजीन से जब अटैच्ड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जो रिंग में डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब NO2 अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इस केस में NaOH का OH- है ना, OH- एक सब्स्टिट्यूट करेगा, और किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो Cl को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बीच में एक मेसनहाइमर इंटरमीडिएट बन सकता है, और ये इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है कि वन क्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन जो हमारा वन क्लोरो और नाइट्रोबेंजीन जो है वो रिएक्ट कर जाता है OH- के साथ आसानी से, क्योंकि जो NO2 होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से जो OH- होगा उसका अटैक आसान हो जाएगा रिंग के ऊपर, और OH- आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लेगा Cl के ग्रुप को, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई, एंड थैंक यू।